बाड़मेर शहर की कोतवाली पुलिस ने शनिवार शाम इलेक्ट्रिक तारों से भरे ट्रक को चोरी के अंदेशे में पकड़ा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक तार कहां से आए और इसे ट्रक में भरकर कहां ले जाया जा रहा था। कोतवाली पुलिस ने ट्रक को जब्त कर सदर थाना परिसर में खड़ा करवाया है और जाँच शुरू कर दी है। विद्युत उपकरणों एवं इलेक्ट्रिकल तारों के चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच बाड़मेर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार शाम कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रिकल तारों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इलेक्ट्रिकल तारों से भरा ट्रक कहां ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर सदर थाना परिसर में खड़ा करवाया है और कोतवाली पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर शहर कोतवाल राम प्रताप सिंह का कहना है कि इलेक्ट्रिकल तारों के चोरी के अंदेशे से ट्रक को रुकवाया गया था और चालक एवं सह चालक द्वारा संतोषजनक जवाब ना दिए जाने पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। कोतवाल के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में इलेक्ट्रिकल तारों से भरा ट्रक किसी निजी कंपनी के ठेकेदार का बताया जा रहा था, जो इलेक्ट्रिकल तारों की सप्लाई के एक निजी कंपनी में कार्य करता था। कार्य पूर्ण होने के बाद इलेक्ट्रिकल तारों को ले जाया जा रहा था और पुलिस ने जब्त कर लिया। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद एवं ठेकेदार द्वारा कागजात प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ट्रक में कुछ स्क्रैप और जो बिजली के काम में आने वाले तार वगैरह हैं, उसका कुछ सामान है और वो कुछ डाउटफुल है। इस आधार पर SI लूणाराम जो गश्त में थे, उन्होंने उसको रुकवा के चेक किया और मौके पे जो ड्राइवर और जो कंसर्निंग लोग थे वो सही तरीके से उसके बारे में जिनाइनली नहीं बता पाए कि भाई ये किस तरह से जिनाइन है या कोई बिल या इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसको उसके अभाव में जो है संदिग्ध मानते हुए उसको नियमानुसार 102 CRPC के तहत जब्त किया गया था और जो कंसर्निंग लोग थे उनको हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत डिटेन किया। विभाग की ओर से कोई कमी रिपोर्ट पेश की? जी नहीं, अभी ऐसा नहीं है। और अभी इस बारे में जो सामान जिनका है उन लोगों की तरफ से ये चीज़ आई है कि कंपनी है जिसको टेंडर मिला हुआ है तो वो विद्युत सामान की कुछ आपूर्ति करती है और उसका कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है, तो उन बिंदुओं पे जो प्रार्थना पत्र पेश हुआ उस पर जाँच करें। जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपकरणों एवं इलेक्ट्रिकल तारों के चोरी की घटनाएं पिछले कई समय से सामने आती रही हैं। ऐसी ही घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने इलेक्ट्रिकल तारों से भरे एक ट्रक को संदेह के आधार पर जब्त कर लिया है। अब पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये ट्रक कहां ले जाया जा रहा था और इलेक्ट्रिकल तार कहां से लाए गए थे।